बायकॉट नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए कि बकवास है। सो गाइस वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान के बारे में, जिसके गानों को लेकर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है तो आप सबको पता ही है। सो इसी को लेकर हनी पाजी ने अभी एक इंटरव्यू में पठान मूवी एंड शाहरुख खान को डिफेंड करते हुए क्या कुछ बोला है, आप लोग खुद ही सुन लो। बायकॉट नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए, बोल देना चाहिए कि बकवास है, आर्टिस्ट को बुरा नहीं लगता, धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, बकवास है बोल दो, घटिया पिक्चर थी, आर्टिस्ट को बुरा नहीं लगता, बायकॉट मत करो। जिनसे ये हुआ है उनसे भी गलती से हुआ होगा, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है सब। सो आप लोग हनी पाजी से एग्री करते हो या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था कि हनी पाजी और यूलिया यही रे सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए बिग बॉस 16 में जा सकते हैं, तो इसी को लेकर हनी पाजी एंड यूलिया ने इंटरव्यू में क्या बोला है आप लोग खुद ही सुन लो। उनका एक पोस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को गाना आया, लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए 100 लोगों के, सलमान भाई ने पोस्ट कर दिया, मम्मी सलमान खान ने पोस्ट करता तेरा। हाँ। और वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात है, इसका लग रहा है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, वी डिड समथिंग गुड। अजी जाओ बिग बॉस में, यू विल गो टू बिग बॉस फॉर प्रमोशन ऑफ द सॉन्ग। सो देखते हैं ये दोनों हमें बिग बॉस में कौन से वीकेंड देखने को मिलते हैं। खैर अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।